हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लेक्चरर दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आता है हमारे पास, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन, कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है एक प्लेन की। ऑफ द परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से अगर प्लेन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसका फुट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करनी होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से बोर्ड्स में। तो गिवन क्या रहता है इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक पॉइंट दिया होता है और एक प्लेन की इक्वेशन दी होती है, और चार तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। फर्स्ट, टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द प्लेन, कि ये जो प्लेन है हमारे पास, एक पॉइंट हमें ए दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से अगर प्लेन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी आता है उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने। सेकेंड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, तो ए से अगर हम प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस परपेंडिकुलर के लेंथ फाइंड करने का क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए अगर हमने पी पॉइंट फाइंड कर लिया तो ए और पी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो उसके लिए भी आपने ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स जब फाइंड हो जाएंगे तो टू पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, टू पॉइंट फॉर्म लगा के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इमेज ऑफ पॉइंट। तो इमेज फाइंड करने के लिए मान लो ए की इमेज है क्यू, क्यू एक और पॉइंट है, वो ए की इमेज है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, तो जो पी पॉइंट आएगा वो ए और क्यू का मिड पॉइंट आएगा। समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, कौन कौन से स्टेप्स इसमें यूज करने हैं। तो इसको हम एज ए स्टोरी टाइप समझते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या रहता है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट दिया होगा और एक प्लेन की इक्वेशन दी होगी, और हमारे पास चार तरह के क्वेश्चंस है, तो वो चारों क्वेश्चंस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पी के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचना है। अगर हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं तो चारों क्वेश्चंस एकदम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करें कि पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। अब देखो, ये जो प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। इसका मतलब जो प्लेन का डायरेक्शन नॉर्मल है, ये जो प्लेन का नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या आएंगे, ए बी और सी आ जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियो। और ए से हमने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो पी क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो अब ए पी लाइन है जो, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर ए पी प्लेन के परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए पी क्या हुआ, नॉर्मल के पैरेलल हो गया। ओके, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ए पी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, ए बी सी के प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ए पी के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, के टाइम्स ए, के टाइम्स बी, के टाइम्स सी। तो हमें ए पी के डायरेक्शन रेशियोज भी पता चल गए, और ए पी ए पॉइंट में से पास करती है तो वन पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं हम लाइन की। वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, यहाँ मैंने ए लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन के ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन के बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन के सी, और बाद में वो के क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। इसलिए कहने को तो ए पी और नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, बट हम डायरेक्ट ही यूज़ कर लेते हैं, सेम ए बी सी ही यूज़ कर लो आप। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
हमें परपेंडिकुलर की इक्वेशन पता चल गई यहाँ पर। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने कोई पॉइंट लेना है, एपी लाइन के ऊपर, तो हम इसको लैम्डा से इक्वेट करते हैं। तो लैम्डा से इक्वेट करके यहाँ पर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ए लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई की वैल्यू बी लैम्डा प्लस वाई वन, और जेड की वैल्यू सी लैम्डा प्लस जेड वन। तो ये क्या आ गए, ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर कोई सा भी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के होंगे, और पी जो पॉइंट है वो भी इसी लाइन पर है। इसका मतलब फॉर सम लैम्डा, कि लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये क्या होगा, ये पी पॉइंट बन जाएगा, और हमें वही लैम्डा फाइंड करना है। तो अब जो पी पॉइंट है वो क्या है, प्लेन में लाई करता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लें तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है, तो वहाँ से हमें पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो जब पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो ए पी के लिए तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी है हमारा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले से आ गई, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया, और इमेज फाइंड करने के लिए पी उसका मिड पॉइंट है ए और क्यू का, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वहाँ से हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारे पास, कि हमने देखा है कि जब हमें एक पॉइंट और प्लेन दिया होता है तो चार तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर, और उन चारों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर की इक्वेशन और इमेज, मींस चारों क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें, कि चारों क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो गिवन पॉइंट क्या है, सबसे पहले पॉइंट है 7 14 5, और प्लेन की इक्वेशन है 2x + 4y - z = यहाँ पर आप 2 कर लो, स्टेटमेंट में 2 लिया मैंने, ठीक है। तो 2x + 4y - z = 2, तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, ये जो एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट्स होते हैं ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और ए से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पे, ए पी आ गया। तो ए पी जो लाइन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नॉर्मल के पैरेलल है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के पैरेलल है। तो ए पी के डायरेक्शन रेशियो भी हम क्या मान लेंगे, 2 4 - 1, तो प्रोपोर्शनल ले सकते हो, तो बाद में k कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज सेम भी मान लो तो एक ही बात रहती है। तो इक्वेशन ऑफ AP, तो वन पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट हम यूज करेंगे A, और डायरेक्शन रेशियोज हम AP के यूज करेंगे। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x - 7/2 y - 14/4 और z - 5/-1, और इसको हमने मान लिया कि ये जो वैल्यू है ये किसी एक रियल नंबर के इक्वल होगी। लैम्डा क्या होता है, रियल होता है, तो इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर ली यहाँ से। अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हमने लेना है तो वो कैसे लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 λ + 7, तो ऐसे ही y की वैल्यू 4 λ + 14 और z की वैल्यू -λ + 5, ओके। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये जो है ये पी पॉइंट बन जाएगा, और हमें वही लैम्डा फाइंड करना होता है। तो अगर ये पी पॉइंट है तो पी पॉइंट तो प्लेन में लाई करता है, तो इस पॉइंट को हम प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2x की वैल्यू पुट कर दी, y की, z की, और यहाँ पर है 2। इस सारे को आप सॉल्व कर लो, एक दो स्टेप्स हैं, बहुत ईजी हैं, आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा आ जाएगा -3। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये P के जो कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किए थे उसमें पुट कर दी हमने। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 2, 8। तो ये हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी थी कि हमने P फाइंड कर लिया, तो अब कुछ भी बाकी नहीं बचेगा हमारे पास। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, वो तो P होता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, 1, 2, 8। तो अभी दो क्वेश्चन बचे हैं,
एक तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, और दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, पी के कोऑर्डिनेट्स, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ए पी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे इन दोनों के बीच में, तो 7-1 का स्क्वायर, 14-2 का स्क्वायर, 5-8 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 36, ये 12 का स्क्वायर 144 और -3 का स्क्वायर 9, तो टोटल 189, उसके फैक्टर बना दिए 189 के, 3 × 3 × 21, 3 बाहर आ गया, है ना। तो अब इमेज फाइंड कर रहे हैं हम, तो इमेज के लिए क्या था, ये हमारा प्लेन था, ये ए पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था और ये था पी, तो पी क्या है, ए और क्यू का मिडल पॉइंट है, तो पी मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया, तो पी क्या आना चाहिए, ए और क्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 14, 5 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x'y'z', तो दोनों को ऐड करके डिवाइड किया 2 से, इसको एज्यूम किया पी के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल, पी कितना है 128, इट मींस ये 1 के इक्वल आ गया, ये 2 के इक्वल आ गया, ये 8 के इक्वल आ गया, तो कंपेयर कर लिए हमने, तो वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने x'y'z' की वैल्यूज फाइंड कर ली, तो ये आ गई हमारी इमेज। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने चारों के चारों क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स, तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है या आप कोई अपना कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू ऑल।